अभी हमने देखा था साझेदारी फर्म के लेखांकन के अंतर्गत साझेदारी क्या कहलाती, साझेदारी से आशय क्या है, साथ ही साझेदारी की विशेषताएं क्या थी और साझेदारी में के अधिकार क्या थे। यहाँ पर हम देखेंगे कि साझेदारों के बीच में जो अनुबंध तैयार होता है, जो इनके बीच समझौता होता है, वो कहलाता है साझेदारी संलेख। तो साझेदारी संलेख क्या है, यहाँ पर हम जानेंगे कि जब साझेदारी की स्थापना का कोई विचार साझेदारों के बीच में आता है तो ये समझौता जो है ये लिखित भी हो सकता है या मौखिक भी हो सकता है, लेकिन सामान्य तौर पर यदि समझौता लिखित है तो इस स्थिति में साझेदारों के बीच विवाद की संभावना कम होती है। तो लिखित समझौता जो होता है स्टाम्प पर भी हो सकता है। साझेदारी समझौते को ही जो है हम साझेदारी अनुबंध या साझेदारी का ठहराव या साझेदारी संलेख कहते हैं। हम अभी देखेंगे कि संलेख से क्या आशा है। यहाँ पर जाने हम संलेख से आशा है, जब साझेदारी की स्थापना का विचार होता है तो आवश्यक है कि सम्मिलित व्यक्तियों के मध्य एक समझौता होता है। ये समझौता लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी, लेकिन लिखित समझौता जो है मौखिक समझौते से श्रेष्ठ माना जाता है। लिखित समझौते पर स्टाम्प आवश्यक है। साझेदारी समझौते को ही साझेदारी अनुबंध, साझेदारी का ठहराव या साझेदारी का संलेख कहते हैं। साझेदारी संलेख का होना अनिवार्य नहीं है। साझेदारी संलेख, जिसे साझेदारी समझौता या अनुबंध भी कहा जाता है, एक ऐसा प्रपत्र है जिसमें व्यवसाय संचालित करने वाले सभी पक्षकार एवं अधिकार व दायित्वों का विस्तार से वर्णन होता है। तो यहाँ पर संलेख क्या है, ये एक प्रकार का अनुबंध है। ये अनुबंध कैसा है, प्रपत्र के रूप में जिसमें व्यवसाय जो संचालित हो रहा है उसमें जो भी साझेदार हैं उनके अधिकार एवं दायित्व किस प्रकार के होंगे, व्यवसाय किस प्रकार से संचालित होगा, समस्त साझेदारों को व्यवसाय संचालन में मार्गदर्शन का कार्य करता है। तो यहाँ पर साझेदारी संलेख जो होता है उसमें सभी साझेदारों के आपस में पारस्परिक कर्तव्य क्या होंगे, इनका उल्लेख होता है। साझेदारी संलेख में अधिकार क्या होंगे, साझेदारों के व्यवसाय संचालन के नियम किस प्रकार से संचालित होंगे, साझेदार के प्रवेश की शर्तें क्या होंगी, यदि कोई साझेदार फर्म से अलग होता है, पृथक होता है, तो उसकी शर्तें क्या होंगी। तो यहाँ पर संलेख में शर्तों का जितना अधिक स्पष्टीकरण होता है उतना ही संलेख जो है अधिक लाभदायक सिद्ध होता है। तो एक प्रकार से यहाँ जो है पार्टनरशिप डीड साझेदारी संलेख। तो ये संलेख क्या है, किसी भी व्यवसाय व्यापार को संचालित करने के लिए जो साझेदारों का एक समझौता है, वो बिंदुओं का जो समूह है वो है साझेदारी संलेख। जिन बिंदुओं के आधार पर में समझौता हुआ है वो साझेदारी संलेख कहलाता है। यहाँ देखेंगे हम कि जो संलेख है उनमें किन किन शर्तों के तहत या किन किन बिंदुओं के अंतर्गत समझौता किया जाता है। तो पहली बात तो आती है, यदि चार लोग मिलकर किसी फर्म का निर्माण करते हैं तो उस फर्म का नाम क्या हो। तो यहाँ पर सभी साझेदारों के द्वारा आपस में मिलकर फर्म का नाम तय किया जाता है। दूसरा जो बिंदु इसमें आता है वो है फर्म का पता। जो फर्म जहाँ से संचालित होगी उसका ऑफिस का एड्रेस क्या होगा, कहाँ होगा, स्थान कहाँ का होगा, फर्म का जो पंजीयन है वो किस पते पर पंजीकृत होगा, तो फर्म का पता। तीसरा व्यापार का क्षेत्र, फर्म के द्वारा जो व्यापार किया जाना है व्यापार स्थानीय होगा या प्रांतीय होगा या अंतर प्रांतीय होगा या विदेशों में संचालित होगा, विदेशी व्यापार होगा, व्यापार का क्षेत्र किस प्रकार से होगा, यह हम इसके माध्यम से तय करते हैं। फिर सभी साझेदारों के नाम व पते, जितने भी उस फर्म में साझेदार हैं उनके नाम व पतों का इसमें उल्लेख किया जाता है। अब यहाँ पर यदि फर्म के चलते हुए सभी साझेदार के नाम व पते हो गए, अब नए साझेदार का प्रवेश, यदि कभी भविष्य में कोई नए साझेदार को वर्तमान साझेदारों के अलावा नए साझेदार को प्रवेश दिया जाता है
तो नई पूंजी यहां पर यह तय की जाती है कि प्रत्येक साझेदार जो है फर्म में कितनी पूंजी लगाएगा और फर्म की कुल पूंजी कितनी होगी, अर्थात प्रत्येक साझेदार के द्वारा कितनी कितनी पूंजी आपस में मिलकर लगाई जाएगी और सभी साझेदारों की मिलाकर कुल पूंजी फर्म की कितनी होगी, इसका निर्धारण किया जाता है। फिर फर्म के व्यवसाय की प्रकृति, फर्म किस प्रकार की तथा किन किन वस्तुओं का व्यापार करेगी, अर्थात वह थोक व्यापार करेगी या फुटकर व्यापार करेगी और कौन कौन सी वस्तुओं का करेगी और व्यापार करने का क्षेत्र क्या होगा आदि, इन बातों पर यहाँ निर्णय लिया जाता है फर्म के व्यवसाय की प्रकृति के अंतर्गत। फिर है फर्म की अवधि, फर्म की अवधि क्या हो, कितने समय के लिए फर्म का निर्माण किया गया है, यदि किसी कार्य को समाप्त होने पर ही फर्म को बंद कर देना है तो, या फिर एक निश्चित समय तक के लिए फर्म को संचालित करना है तो यहाँ पर यह तय किया जाता है कि फर्म की अवधि क्या होगी। इसके अलावा पूंजी पर ब्याज, साझेदार द्वारा जो फर्म में पूंजी लगाई जाएगी उस पर ब्याज दिया जाएगा अथवा नहीं दिया जाएगा और यदि दिया जाएगा तो किस दर से दिया जाएगा, तो यहाँ पर संलेख के अभाव में जो है पूंजी पर ब्याज 6% की दर से दिया जाता है, जिसको हम आगे भी देखेंगे। फिर आरण एवं उस पर ब्याज, यदि साझेदारों के द्वारा फर्म से कोई राशि आहरित की जाती है अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए तो उसके द्वारा आहरित की गई राशि पर ब्याज किस प्रकार से किस दर से दिया जाएगा ये। फिर लाभहानि विभाजन, फर्म या साझेदार के मध्य जो है लाभ हानि का विभाजन किस अनुपात में होगा, पूंजी के अनुपात में होगा या अन्य किसी अनुपात में या अन्य किसी विधि से, तो यहाँ पर देखा जाता है कि उनके बीच आपस में लाभ हानि का विभाजन का अनुपात क्या होगा। अगला बिंदु है वेतन एवं कमीशन, वेतन एवं कमीशन के अंतर्गत हम यहाँ पर देखेंगे कि यदि साझेदार फर्म में, साझेदारी तो है ही सदस्य हैं लेकिन इसके अलावा यदि वो कोई कार्य करते हैं फर्म से संबंधित तो उसके एवज में वेतन या कमीशन उनको प्राप्त होगा अथवा नहीं होगा, इसका उल्लेख जो है इसमें स्पष्ट रूप से किया जाता है। फिर इसके अलावा साझेदारों को ऋण, यहाँ पर जो है आवश्यकता पड़ने पर साझेदार फर्म से ऋण ले सकता है अथवा नहीं, ऋण लेने की दशा में ऋण की सीमा क्या होगी, अवधि क्या होगी, उस पर ब्याज की दर क्या होगी, इसका भी उल्लेख किया जाता है। फिर फर्म द्वारा ऋण, आवश्यकता पड़ने पर साझेदार से फर्म द्वारा यदि ऋण लिया जाता है तो ऋण की शर्तें क्या होंगी और फर्म के द्वारा साझेदार को दे ऋण पर दे ब्याज क्या होगा, इसको तय किया जाता है। इसके बाद ख्याति, गुडविल, ख्याति क्या है, एक फर्म की साख का मौद्रिक मूल्यांकन जो है वो उसकी गुडविल या ख्याति कहलाती है। तो फर्म में किसी साझेदार के प्रवेश करने पर या उसकी निवृत्ति या मृत्यु होने की दशा में फर्म की ख्याति का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाएगा एवं जाने वाले साझेदार का हिसाब किस प्रकार से चुकता किया जाएगा, तो ख्याति का मूल्यांकन दोनों समय किया जाता है, जब एक नया साझेदार प्रवेश करता है या कोई साझेदार फर्म को छोड़ के जाता है। फिर है लेखांकन एवं उसका अंकेक्षण, फर्म की हिसाब किताब जो रखा जाएगा किन प्रकार की पुस्तकों से रखा जाएगा, उसका लेखक किस प्रकार से होगा, उसका अंकेक्षण कब कब होगा, किस अंकेक्षक के द्वारा अंकेक्षण किया जाएगा, इसका उल्लेख किया जाता है। कार्य विभाजन, प्रत्येक साझेदार के क्या क्या कार्य होंगे उनके कार्यों का विभाजन होता है। फिर बैंक का परिचालन, किस साझेदार के द्वारा बैंक के खातों का जो है वो चलाया, जो परिचालन है वो किया जाएगा। फिर इसी के अलावा कुछ और साझेदारों का बीमा, सभी साझेदारों का बीमा होगा अथवा नहीं होगा। फिर दिवालिया होने की दशा में यदि किसी साझेदार के दिवालिया होने की दशा पर हानि होती है तो उसका भार जो है शोध क्षम साझेदार के अनुपात में वहन करेंगे। फिर साझेदार का निकाला जाना, यदि किसी साझेदार को किन्हीं कारणों से फर्म से अलग किया जाता है तो किन कारणों से उसको अलग किया जा सकता है ये। फिर समापन, एक फर्म का समापन किन स्थितियों में हो सकता है, किसी साझेदार की मृत्यु अथवा पागल या दिवालिया होने जाने पर फर्म जारी रहेगी अथवा नहीं, अर्थात साझेदारी के समापन किन स्थितियों में हो सकता है। इसके बाद अगला बिंदु है पंचायती वाक्य, पंचायती वाक्य से तात्पर्य यदि साझेदारों के बीच में किसी प्रकार का आपसी विवाद हो जाता है
तो उस आपसी विवाद को विभिन्न साझेदारों के द्वारा किन साझेदारों के द्वारा मिलकर कर्तव्य है। यहाँ यह भी तय किया जाता है कि किसी साझेदार के व्यवसाय के संचालन के संबंध में विशेष अधिकार या कर्तव्य हैं या किसी साझेदार का दायित्व तो उसकी पूंजी तक सीमित है, तो इस तथ्य का वर्णन जो है वो साझेदारी संलेख में होना चाहिए, अर्थात प्रत्येक साझेदार के अधिकार एवं कर्तव्य किस प्रकार के हैं, फर्म के संचालन से संबंधित अधिकार हैं या सिर्फ पूंजी के भुगतान कर लाभ प्राप्त करने से संबंधित अधिकार हैं, उनके कर्तव्य क्या हैं, इन सब का स्पष्ट उल्लेख किया जाता है। अंतिम है साझेदारी की मृत्यु, साझेदार की मृत्यु। यदि किसी साझेदार की फर्म के संचालन के समय मृत्यु हो जाती है तो उसका भुगतान जो है, उसके रकम की गणना जो है, उसके उत्तराधिकारियों को भुगतान की जाने वाली राशि को किस विधि से, इसका वर्णन इसमें किया जाता है। तो साझेदार की मृत्यु हो जाने पर उसका भुगतान जो उसके उत्तराधिकारियों को किस हिसाब से किया जाएगा, ये तय किया जाता है। इस हिसाब से यहाँ हम देखते हैं कि साझेदारी संलेख में ये उक्त निम्न 25 बिंदु हैं जिनके आधार पर सभी साझेदारों के बीच में आपसी समझौता तय होता है। ये कहलाते हैं साझेदारी संलेख में उल्लेखित मुख्य बिंदु। अब यहाँ हम देखते हैं यदि साझेदारी संलेख नहीं बनाया गया, इसके पहले जो हमने ये संलेख में के बिंदु देखे, यदि ये संलेख नहीं तैयार किया गया तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार क्या प्रावधान होंगे। तो यहाँ देखेंगे हम, यदि समझौता नहीं है तो इसका मतलब क्या है, व्यवसाय में सभी साझेदारों को भाग लेने का समान अधिकार है। यदि समझौता होता तो निश्चित साझेदारों को मिलता, बाकी समझौता नहीं है इसलिए सभी साझेदारों को भाग लेने का अधिकार प्राप्त है। दूसरा है आपसी विवाद, यदि साझेदारों के बीच में हो जाता है तो विवाद का निपटारा जो है सभी साझेदारों द्वारा मिलकर बहुमत से किया जाएगा। अगला लाभ का वितरण, सभी साझेदारों के बीच लाभ हानि का विभाजन जो है समान रूप से किया जा सकेगा। यहां पर हम देखेंगे सभी साझेदारों के बीच लाभ हानि का जो विभाजन है, चूंकि समझौता नहीं हुआ है इसलिए बराबर बराबर ही किया जाएगा। फिर अगला बिंदु है पूंजी पर ब्याज, चूंकि समझौता यहां पर नहीं है इसलिए पूंजी पर ब्याज किसी भी प्रकार से नहीं दिया जाएगा। फिर वेतन व कमीशन, अनुबंध के अभाव के कारण किसी भी साझेदार को फर्म का कार्य करने के लिए जो है किसी भी प्रकार का वेतन या कमीशन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर समझौता नहीं हुआ इसलिए यदि कोई साझेदार कार्य करता भी है तो उसको वेतन कमीशन नहीं दिया जाएगा। फिर ऋण पर ब्याज, किसी साझेदार द्वारा यहाँ पर फर्म को किसी प्रकार का ऋण दिया जाता है तो यहाँ पर उस साझेदार को 6% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाएगा, तो ये ऋण पर ब्याज। फिर आहरण पर ब्याज, यदि कोई साझेदार फर्म से किसी प्रकार की राशि आहरित करता है तो उससे किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं लिया जाएगा क्योंकि समझौता यहाँ नहीं हुआ। फिर नए साझेदार का प्रवेश, नए साझेदार का प्रवेश जो है सभी की सर्वसम्मति से ही होगा, जब तक सभी साझेदार मिलकर आपस में तय नहीं करते कि नए साझेदार को सम्मिलित किया जाना है अथवा नहीं, तब तक उन्हें हम प्रवेश नहीं दे सकते। फिर फर्म की पुस्तकों को देखने का अधिकार, प्रत्येक साझेदार को यह अधिकार होगा कि वो फर्म की हिसाब किताब की पुस्तकों को देख सके। तो यहाँ हमने ये जाना कि साझेदारी संलेख के अभाव में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार जो प्रावधान है, यदि संलेख तैयार नहीं किया गया है तो उस स्थिति में किस प्रकार के नियमों को लागू